हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बनाएंगे पालक पनीर की सब्ज़ी। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए हमने आधा किलो के पास पालक लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है। पालक की सब्ज़ी में डालने के लिए लिया है हमने थोड़ा सा अदरक और लहसुन, दो टमाटर और थोड़ा सा काजू, जिसका हम पेस्ट बना के सब्ज़ी में डालेंगे। चलिए अब हम पालक को एक कढ़ाई में उबाल लेते हैं। हमने एक कढ़ाई में पालक को डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चीनी। चीनी डाल के पालक को उबालने से इसमें जो कड़वाहटपन रहता है वो पूरी तरह से निकल जाता है। अब डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब हम एक पेस्ट बना लेते हैं। ये है टमाटर, अदरक लहसुन, और काजू। अब इसको हम ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम सब्जी के लिए प्याज का और एक पेस्ट बनाएंगे। हमने लिया है 4 प्याज। हमने इसको भी पेस्ट बना दिया है। चलिए अब हम पालक को देखते हैं। ये देखिए ये पूरी तरह से उबल गया है। इसमें से कितना पानी निकला है, इसमें से हम पानी को छान लेते हैं। अब हमने पानी को छान लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी। अब हम पानी से इसको निकाल लेंगे और पीस के इसका एक पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट बन गया है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। ये हमने गैस को ऑन कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल। हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, तेज पत्ता, प्याज का पेस्ट। इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, काजू और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा देर फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे कस्तूरी लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसको मिलाने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। हमारा मसाला फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा पालक प्यूरी का पेस्ट। इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। हमने दूध से फ्रेश क्रीम निकाल के रखा था। अब इसको थोड़ा मिला लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा पेस्ट बना है। अब हम इसको थोड़ा देर ढक के रख देते हैं। ये देखिए पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसमें हमारा पनीर डाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम इसमें अपना पनीर को डाल देते हैं। हमने पनीर को इसमें कच्चा ही डाला है, फ्राई नहीं किया है। आप चाहे तो फ्राई करके डाल सकते हैं। पनीर को पालक में अच्छी तरह से आप मिला लीजिए।
अब इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। ये देखिए हमारा पालक पनीर बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने एक चम्मच में लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और लाल मिर्ची। अब हम इसको पालक पनीर के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये दिखने में जितना खूबसूरत है खाने में भी उतना टेस्टी है। आप इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके हमें प्लीज़ बताइए।